स्नो डे मनाए जा रहे हैं यहाँ पे नलकर वैली में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती है, स्नो जब होता है यहाँ बर्फ़ की चादर ओढ़ के नलकर वैली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। इस वक्त आपको मालूम होगा ये जो है एयरपोर्ट एरिया है, यहाँ से सिविल एविएशन के एयरपोर्ट है। तो आज हम स्नो डे मनाने के लिए नलतर की तरफ जा रहे हैं, हमारी गाड़ी है और एक गाड़ी यहाँ पे मौजूद है, साथ में हमारे कुछ मीडिया के दोस्त होंगे हमारे साथ। तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे वो खूबसूरत मनाजिर नलतर के। विंटर टूरिज़म के लिए नलतर जो है वो खूबसूरत इलाका है, तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे वहाँ की खूबसूरती, वहाँ पे लोग कितने इंजॉय करते हैं वो सब दिखाएँ। आ जाए स्की के मुकाबले होते हैं, स्नोबोर्ड, आइस हॉकी, ये यहाँ के इवेंट्स हैं जो होने जा रहे हैं और इस हवाले से भी हम यहाँ पर हैं। और आज वर्ल्ड स्नो डे भी मनाया जा रहा है, तो यहाँ सरमाई टूरिज़म की तरफ गवर्नमेंट ने तवज्जो फोकस किया हुआ है और अभी अभी जो है वो काम भी हो रहा है। और इस वक्त यहाँ पर जो है वो नलतर के अंदर यहाँ तक पब्लिक को आसान तरीके से लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जो प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, रोड बन रहा है। जब ये रोड बनेगा तो ये इसको जो है वो यहाँ एक्सेस होगी आसानी से। तो इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, मैं जो यहाँ आना चाहते हैं नलतर उनसे गुजारिश करूँगा कि वो जीप में आए, टोयोटा गाड़ी में आ जाए और ये ज़रूर देख लें कि उनके जो टायर हैं गाड़ी के वो उनके साथ चेन जो जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है चेन जो है वो भी लगाना चाहिए, क्योंकि स्लिपरी है रोड और फिर खाइयाँ हैं, यहाँ खुदा न करे कोई ना कोई वाकया हो सकता है। तो लिहाजा यहाँ सबसे पहले ये ड्राइवर से पता करें उनके पास चेन है गाड़ी में, फिर गाड़ी की कंडीशन देखें, पुरानी गाड़ी लेकर ना आए क्योंकि हाइट भी है और साथ साथ फिर बर्फ़ भी है और स्नोफॉल से जो बर्फ़ हुई है उससे इतना खतरा वो नहीं है, उसके ऊपर गाड़ी चल सकती है। लेकिन जो स्नोफॉल कन्वर्ट होती है बर्फ़ में जब पिघलती है और उसके ऊपर बर्फ़ जमती है तो उसके ऊपर ना इंसान बड़ी मुश्किल से चल सकता है और गाड़ी जो है वो मूवमेंट बगैर चेन के नहीं कर सकती है। हम तकरीबन अपने जो नलतर के स्लोप के नज़दीक पहुंचे और यहाँ हम देख रहे हैं कि बर्फ़बारी इस साल काफ़ी ज़्यादा हुई है और ख़ास करके ये जो रोड है यहाँ पर गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं और कीकर जमा हुआ है, सख्त हुआ है। खूबसूरत मौसम है, नलतर का स्नो कवर्ड वैली है, स्नो कवर्ड वैली के अंदर जो है हम जा रहे हैं। यहाँ पर कोई वर्ल्ड स्नो डे की एक्टिविटी हो रही है, इंशाल्लाह आप भी देखेंगे, दोस्तों को भी दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत मौसम है, सर्दी काफ़ी है लेकिन इंजॉय के लिए जा रहे हैं बर्फ़ के। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कमी की वजह से स्नो कवर्ड वैलीज़ जो खूबसूरत वैलीज़ है वहाँ तक लोग पहुँच नहीं सकते, अक्सर या तो ट्रैकिंग करना होगा या चेन वाली गाड़ियां लगा चेन लगा के गाड़ियों को चलाना होगा। हैं, काफ़ी मुश्किल सफ़र है लेकिन फैसिलिटीज़ कम है, फिर भी जो इंजॉय जो विंटर को इंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है, वो इंजॉय कर सकते हैं, वो आदि होते हैं विंटर का। और विंटर को हमें भी सबको आके विंटर को जैसे हम समर को एंजॉय करते हैं इसी तरह हमें विंटर को भी एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू।